everyone. Good morning. Good morning. Today we will see two types of bread making, one simple and one food fold. Okay? So, सबसे पहले हम लोग simple bread making करेंगे. Please help me, Mahesh. सबसे पहले हम एक single bread sheet डालेंगे. उसको चारों तरफ से tuck करेंगे. आप लोग tucking method देखो. See. यहाँ पे सब लोग देख सकते हो माइटर फोल्ड कैसे होगा. सबसे पहले हम यहाँ पे जो टक किया है उसको इस तरह से ऊपर पुल करेंगे, फिर उसके बाद नीचे जो बचा हुआ है उसको अंदर टक करेंगे. सी सब लोग देख सकते हो. याद रखना जब भी बेड मेकिंग करना है वो चारों तरफ से चारों कोनों से एकदम टाइट होनी चाहिए. अगर वो ढीली होगी एकदम तो हमारा बेड बिल्कुल अच्छे से नहीं बनेगा. ये हमने सिंगल बेडशीट डाली, इसके बाद हम ब्लैंकेट प्लेस करेंगे. ऊपर से चेक करना है हमने एकदम ब्लैंकेट और बेडशीट दोनों सेम इसमें होनी चाहिए लाइन में. यस. फिर इसको धीरे धीरे इसी तरह यहां से सरकाते हुए हमने ऊपर जाना है. पहला फोल्ड छोटा आना चाहिए. छोटा छोटा छोटा. और सेकेंड फोल्ड बड़ा. यस. जैसे मैंने तुम लोगों को बताया माइटर फोल्ड, तो यहां से हमेशा याद रखो साइड से माइटर फोल्ड करते हैं. अभी हम लोग पिलो प्लेस करेंगे. जस्ट सी पिलो कैसे प्लेस करते हैं हम लोग. कभी भी पिलो को कोने से पकड़ना है, ठीक है. इस तरह इसको झटकना है ताकि कोई भी क्रीजेस ना हो. इस तरीके से इसको फोल्ड करना है. सी ये वाला भाग हमेशा अंदर जाना चाहिए, तो इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको प्लेस करेंगे. समझ में आया. कोई करेंगे तो उस पर हमारे हाथ के गंदे निशान भी आ जाएंगे प्लस क्रीजेस भी आ जाएंगे उस पर. ओके. विथ टू बेडशीट्स एंड ब्लैंकेट. ये फोल्ड क्यों किया जाता है कौन बताएगा. क्यों करते हैं हम होटल्स में ये फोल्ड. फूड फोल्ड क्यों करते हैं. ताकि गेस्ट को इजी रहे. समझ में आया. अगर गेस्ट इसमें सोएगा तो वो इजीली अपने पैरों को इसमें अंदर डाल सके. ओके. सी आप लोग यहाँ देख सकते हो माइटर फोल्ड कैसे होता है. इस तरीके से जैसे ये नीचे हैंगिंग है, मैंने इसको यहाँ से उठाया, इसको जितना पोर्शन छूटा हुआ है उसको अंदर टक किया, फिर जो सेकेंड है जो हमने फुट फोल्ड किया है उसको अंदर टक किया.
अब हम चारों तरफ से चेक करेंगे कि हमारा बेड टाइट है या नहीं है। ओके, तो ये हमारा हो गया फुटफोल्ड। तो हमने आज टू बेड देखे, वन सिंगल एंड वन फुटफोल्ड। तो अभी तुम लोग इसी की प्रैक्टिस करनी है। ओके, दोनों बेड की प्रैक्टिस तुम सबको करनी है, वन बाय वन। थैंक यू।